हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश और आज जितने भी वैक्सीनेटर के फार्म लोग भरे हुए हैं उसको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। आपके मन में सवाल चल रहे हैं कि होगा नहीं होगा। मैंने कल वीडियो एक अपलोड किया था तो उसमें काफ़ी लोग के कमेंट आए और लोग पूछ रहे थे कि सर ये कैसे होगा, कितने दिन में होगा और कौन सा फार्म होता है, मतलब किस तरीके से भरते हैं, ये सब मेरे से सवाल लोग कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे हाथों में जो ये फार्म पड़ा है और इसमें क्या क्या ज़रूरी है भरना, इम्पोर्टेंट जो आपने गलतियाँ की होंगी और शायद नहीं की होंगी, ये पूरा डाउट आपका आज क्लियर हो जाएगा। और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं तो मैं अपने तरीके से आपको हिंदी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या है, किस तरीके से है, पूरा मैं डाउट क्लियर कर दूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में ये जो फार्म पड़ा है, आप देख लीजिए, मैं कैमरा के सामने कर देता हूँ, आप देख रहे हैं ना इसको, ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम प्रधान, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम विकास अधिकारी और यहाँ पे लिखा है आवेदक के हस्ताक्षर। मतलब ये है कि इसमें तीन जगह पे प्रधान का और सिग्नेटरी का और जो बंदा उसमें आवेदित कर रहा है उसका, ये तीनों चीज़ का साइन वन हो जाएगा, मुहर लग जाएगा और इसमें आप अपना नाम एड्रेस जो भी भरते हैं उसको आप भर लीजिएगा, ठीक है। पहली बात तो यह है। उसके बाद से अपना बैंक का खाता, बैंक का जो भी है इसमें सब आप भर लीजिएगा। इसके साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ में आप ये जो प्रधान से जो प्रमाणित कराते हैं, प्रधान से जो गांव के प्रधान लोग उसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ आप इस गांव के निवासी हैं, मैं आपको भली भांति जानता पहचानता हूँ, ये एक फार्म होता है। आपके प्रधान के नज़दीकी जो प्रधान होंगे उनसे संपर्क कीजिएगा, उस फार्म पे मोहर और साइन करके दे देंगे आपको, उसमें आपका एक फ़ोटो भी लगा होता है और उसको इसके साथ लगाना पड़ता है। और तीसरा चीज़ जो है वो बैंक का जो आपका पासबुक है, मतलब चाहे वो पीएनबी का हो, ग्रामीण का हो, किसी भी बैंक का हो, स्टेट बैंक का भी हो, कोई भी बैंक हो, उसको इसमें इसके साथ लगा देता है, उसका फ़ोटो कॉपी, ठीक है। ये तीनों फ़ोटो कॉपी आप ऐसे नत्थी करके इसमें ऐसे पंच कर दीजिएगा और ले जा करके और अपना जो पशु विभाग के जो अधिकारी हैं, जो पशु विभाग के डॉक्टर हैं, वहाँ ले जाके आप जमा कर दीजिएगा, ठीक है। और जमा जब करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर उस पर लिखा रहेगा और डॉक्टर से आप पूछ लीजिएगा कि सर ये कितने दिन में होगा, क्या होगा, वो सारा कुछ बता देंगे। जैसा कि काफ़ी लोग जो लेट हो चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ और जो लोग अब अप्लाई कर चुके हैं, मतलब जो फॉर्म जमा कर चुके हैं उस विभाग में डॉक्टर के पास, तो वो जाते हैं, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि हो जाएगा आपका, इतने दिन में हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं शायद नहीं हो पाएगा सॉरी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपने मोबाइल नंबर उस पर लिखा हुआ है और अगर मतलब अगर गाँव में अगर आप एक फार्म डाले हैं और मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और अच्छे इंसान हैं, डॉक्टर की नज़र में अगर आप अच्छे लग गए, भाई उनके मूड के ऊपर है कि वो किसका करेंगे किसका नहीं करेंगे, ठीक है ना, मैं बता सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं, तो वो उनके मूड के ऊपर है। और ये फार्म जाएगा लखनऊ, लखनऊ से जो है वहाँ के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग छँटाई वगैरह करेंगे कि कौन किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए, और वो लोग अगर शायद आपका किस्मत अच्छा है तो आपका नाम कर देंगे, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन का सवाल का मैंने जवाब दे दिया। अब तीसरी बात, लोग ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि इसमें सैलरी कितनी है और क्या मतलब बेनिफिट है, कैसे होगा, तो मैं आपको फिर आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो सहायक बंदा है, जो मतलब सहायक के लेवल पे है, हेल्पर है, उसको ₹250 मिलेगा एक इंजेक्शन का, और जो बंदा वैक्सीनेटर है, मतलब जो वैक्सीन लगाएगा, तो उसको ₹3 पर वैक्सीन के हिसाब से चार्ज उसका बनता है और वो पाएगा। ये आप समझ गए, ये क्लियर हो गया ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांव में जितने भी लोग हैं, मतलब सॉरी जितने भी जानवर हैं और जितने भी जानवर हैं, सॉरी यार मिस्टेक हो गया, जितने भी जानवर हैं, तो अगर 1000 पड़ रहे हैं तो 3000 अगर 10000 हैं, मतलब उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितने भी जानवर हैं पर जानवर पे ₹3 आपको मिलना है, लगाना है, और साल में 3 बार या 2 बार या 4 बार भी आ सकता है ये सुविधा, और बार बार तो नहीं आता, मतलब साल में 3-4 बार आता है। ये मैंने आपको जवाब दे दिया। अब कुछ लोग का ये सवाल था कि सर ये बताइए कि होगा या नहीं होगा। तो दोस्त, जैसे आप इंसान हो वैसे हम भी इंसान हैं, मैंने आपको सारा डाउट इसमें क्लियर कर दिया है। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा। मैं भी एक वैक्सीनेटर का फार्म डाला हूँ और नज़दीकी जो पशु विभाग है वहाँ पर, और देखते हैं फिर क्या होता है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है,
और नहीं हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो अपना कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। मेरा मोटिवेशनल चैनल है, अगर मेरा चैनल आप देखना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और जानकारी कैसे भी मतलब कुछ आता है ना तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा, सबसे पहले मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।